हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। कल के लिए हमारे क्या व्यूज़ रहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले सेशंस में और क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो रेगुलरली अपलोड करती हूँ। समटाइम्स ट्रैवल के वीडियोज़ भी अपलोड करती हूँ और जब कभी भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन पर्पज़ पे या फिर किसी स्टॉक को लेके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको एवरी एक्सपायरी के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगा जो यूज़ करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो। साथ ही साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर वीडियोस जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको कम्युनिटी में इम्पॉर्टेंट कॉल्स भी मिलेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के डे ट्रेडिंग के लिए, और आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते रहेंगे और आपके क्वेरीज का आपको अर्ली रिप्लाई मिलेगा। तो ये सारे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है चैनल मेंबरशिप की, उसके थ्रू आप अपनी चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करते हो। तो वही अगर आप देखो गए तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक और आइकॉन दिखेगा ज्वाइन बटन करके, तो वहां से भी आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपस्टॉक्स जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर लेके आया है, जहाँ पे आपको एक फ्री ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट मिल रहा है। साथ ही साथ आपको 2000 तक के पार्टनर बेनिफिट्स मिलते हैं, 30 डेज के लिए आपको फ्री ब्रोकरेज क्रेडिट मिल रहा है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू अपनी जो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग की स्कीम है अपस्टॉक्स की, उसके थ्रू आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर ले तो जल्दी से इस सुविधा का लाभ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक ये बेनिफिट्स नहीं रहते हैं, उनका टाइम लिमिट रहता है। तो जिन्होंने भी ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो अपने सारे प्रोसीजर्स जो है वो जल्दी ख़त्म कीजिएगा ताकि आपको ये बेनिफिट्स जो है वो मिल सके। सो अभी आज ईयर एंड है और आपको कल के लिए ही, आज ही मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, कल नया साल शुरू होने वाला है। सो उसके लिए हैप्पी न्यू ईयर। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी 50 के साथ। तो आज की निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे आई है, तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 13,981 के पास और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 31,264 के पास। तो फिलहाल आज साल का आखिरी दिन है और निफ्टी ने जो है वो 13,981 की क्लोजिंग दी है और आज हमें निफ्टी जो है वो 14,000 को पार करते हुए दिखाई दिया था। भले ही क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अभी 14,000 निफ्टी ने होल्ड नहीं रखा हुआ है, लेकिन उसके आसपास की क्लोजिंग मिली है। तो अभी एक और वीडियो मैं बनाऊंगी इस वीकेंड पे कि नेक्स्ट ईयर में निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या चांसेस हो सकते हैं, हम लोग क्या लेवल्स देख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। मैं पूरा एनालिसिस करूंगी, वो वीडियो आपको सैटरडे को या फिर संडे को मिल जाएगा। तो अभी देखिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज 936 का लो किया था और हाई किया था 14,024। इसका मतलब आज निफ्टी 900 से लेके 14,000 के बीच में हमें दिखाई दिया। तो ये अच्छा साइन है क्योंकि निफ्टी देखिए हमें लगातार 7 सेशन से जो है वो एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है और अपसाइड के लिए मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए अभी बात करें तो निफ्टी को इम्पोर्टेंट रहेगा 14,000 का लेवल क्लियर करना। अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये लेवल क्लियर होता है तो यहाँ से नेक्स्ट जो हम टारगेट देख रहे हैं निफ्टी के अंदर वो रहेगा 14,200 और 300 का। अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर एक से दो सेशन के लिए निफ्टी 14,000 के ऊपर टिक जाता है तो
तो अभी अगर देखें तो 13,981 की क्लोजिंग आई है, और निफ्टी ने हमारा आज का जो टारगेट था, पहले हमने देखा था कि अगर 950 क्लियर करता है निफ्टी, मतलब कि 850 950 के रेंज में जो निफ्टी फंसा हुआ था, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, वो अगर पार कर लेता है 14,000 का हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, तो वो तो आज अचीव हो गया है। तो यहाँ से आगे अगर निफ्टी ऐसे ही 950 के ऊपर सस्टेन होता है तो हम लोग 14,100 तक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। कंफर्मेशन कब होगा? जब 14,000 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर पार होगा। तो यहाँ से 14,100 और 200 के तरफ नेक्स्ट हमारा टारगेट निफ्टी के अंदर रहेगा। सो अभी हम लोग निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो अभी मेरे सामने निफ्टी की 7 जनवरी की ऑप्शन चेन है, और निफ्टी की क्लोजिंग आई है 13,981 के पास। तो कॉल साइड में अगर हम लोग देखें, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो 20 लाख का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 14,000 के लेवल के ऊपर। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 14 लैक्स का, जो कि है 14,200 के ऊपर। आज सबसे ज़्यादा राइटिंग कहाँ पे हुई है, तो 10 लैक्स की हाईएस्ट राइटिंग हुई है 14,000 के ऊपर। सेकेंड हाईएस्ट राइटिंग कहाँ पे दिखाई दे रही है, तो 7,74,000 की सेकेंड हाईएस्ट राइटिंग हुई है 15,000 के ऊपर। तो यहाँ पे हमें अपसाइड के लिए अच्छे खासे लेवल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से अगर निफ्टी 14,000 क्लियर कर देता है, तो जैसे मैंने आपको चार्ट के ऊपर से स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ से हमें निफ्टी फिर 14,200 के तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा फिर 14,200 का लेवल। तो अभी ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर से भी हमें सेम सिचुएशन दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल 14,000 का रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। अगर ये पार होता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, ध्यान में रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको देखना है कि निफ्टी 14,000 का लेवल पार करता है कि नहीं, तभी यहाँ पे आप लोग अपसाइड के लिए 14,200 के टारगेट के लिए जा सकते हो। वही डाउन साइड की बात करें तो पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है 14,60,000 का, जो कि है 13,900 के लेवल के ऊपर। तो आज इस वजह से निफ्टी हमें 13,900 के नीचे नहीं जाता हुआ दिखाई दिया, हमें 13,900 से लेके 14,000 के रेंज में निफ्टी फंसा हुआ दिखाई दिया था। तो अभी पुट साइड में अगर हम लोग देखें, सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग कहाँ पे हुई है, तो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हमें दिखाई दे रही है 8,50,000 की, जो कि हुई है 14,000 के लेवल के ऊपर। तो अभी देखिए, यहाँ से सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी के लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 13,900 का लेवल। अगर ये लेवल निफ्टी तोड़ देता है इंट्राडे में भी, तो हमें और 50 से 100 पॉइंट्स की गिरावट इंट्राडे में ही निफ्टी के अंदर दिखाई दे सकती है। अगर 900 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो निफ्टी हमें फिर से 650-700 के रेंज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स निफ्टी के लिए ये रहेंगे। तो अभी ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर से तो हमने देख लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के। सो अभी मेरे सामने निफ्टी का 1 डे कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट है, और निफ्टी की क्लोजिंग आई है 13,981 के पास। तो डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है। तो अभी अगर यहाँ से आगे निफ्टी के लिए लेवल्स की बात करें, तो देखिए 13,950 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर भी चला जाता है, तो वीकनेस बढ़ती हुई हम लोग निफ्टी के अंदर फिर देख सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी को इम्पोर्टेंट रहेगा कि 950 के ऊपर ही क्लोजिंग बेसिस के ऊपर रहे, तभी यहाँ से हम लोग अपसाइड के लिए अभी यहाँ से 14,050 और 14,100 का टारगेट जो है वो डेफिनेटली देख सकते हैं, अगर निफ्टी 950 को क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होल्ड रखता है तो। तो अभी यहाँ से आगे निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या रहेंगे, तो यहाँ से जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 13,960 एंड 950 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो यहाँ से एक फर्दर सेलिंग प्रेशर आता हुआ हमें दिखेगा, जो निफ्टी को 13,910 के अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ लेके जाएगा। अगर निफ्टी ये लेवल भी होल्ड नहीं करता है, तो इसके बाद में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 13,860 का लेवल। अपसाइड की बात करें, तो अपसाइड के लिए देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ से
13,990 का लेवल। अगर ये लेवल के ऊपर निफ्टी 30 से 40 मिनट तक ट्रेड करता है तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 14,050 का लेवल। अगर ये भी अचीव हो जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 14,080 का लेवल। तो ये अपसाइड के लिए निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे और डाउन साइड के लिए ये सपोर्ट के लेवल्स रहेंगे। तो जो भी लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो प्लीज़ अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। और एवरीडे लाइव मार्केट में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर देती हूँ। तो आपने अगर मुझे वहाँ पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है। सो अभी निफ्टी के लिए तो हमने देख लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो मेरे सामने अभी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है 7 जनवरी की, और निफ्टी बैंक की आज की क्लोजिंग आई है 31,264 के पास। तो फिलहाल निगेटिव क्लोज हुआ है निफ्टी बैंक, लेकिन अभी भी 31,000 का लेवल होल्ड रखा हुआ है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। तो कॉल साइड में अगर हम लोग देखें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 5,76,000 का, जो कि है 32,000 के ऊपर। वही सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 5,53,000 का, जो कि है 31,500 के ऊपर। कॉल साइड में आज सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है, तो 2,71,000 की एडिंग हुई है 31,500 के ऊपर। तो देखिए, जैसे मैंने आपको 31,000 क्लियर होने के पहले ही बता दिया था कि अगर रेजिस्टेंस 31,000 का पार होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 31,500 और उसके बाद में 32,000 का लेवल। तो अभी आज तो निफ्टी बैंक ने 31,500 के पास नहीं गया, लेकिन हमें आज 31,000 से लेके 31,500 के बीच में निफ्टी बैंक कंसोलिडेशन करता हुआ दिखा। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो निफ्टी बैंक ने ज़रूर नेगेटिव क्लोजिंग दी है दो सेशन से, लेकिन निफ्टी बैंक जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा है इस जोन में, अभी भी 31,000 नहीं टूटा है। तो यहाँ से होप है कि निफ्टी बैंक हमें 32,000 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर ये कंसोलिडेशन एक से दो सेशन के लिए चलता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि कल 31,500 का लेवल एटलीस्ट इंट्राडे बेसिस के ऊपर तो पार करें, तो यहाँ से हम लोग अपसाइड के लिए फिर 32,000 के लेवल्स देख सकते हैं। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में कहाँ पर बना हुआ है, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो है 4,31,000 का, जो कि है 29,000 के लेवल के ऊपर। आज सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग कहाँ पे हुई है, तो आज सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग भी हमें इसी लेवल के ऊपर दिखाई दे रही है 2,00,000 की। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 31,000 का लेवल निफ्टी बैंक अगर फिर से ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो यहाँ से वीकनेस बढ़ेगी, फिर निफ्टी बैंक हमें 30,000 के अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर ये वीकनेस नहीं रुकती है तो यहाँ से निफ्टी बैंक हमें 29,000 तक भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सो निफ्टी बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि 31,500 का लेवल जल्दी से पार करें। तो अभी ऑप्शन चेन डेटा तो हमने देख लिया है, तो चलिए चलते अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के। सो अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था निफ्टी बैंक के लिए, जो रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक ने फेस कर लिया है। और फिलहाल अभी इसके नीचे एक कैंडल बनी है, लेकिन अभी भी ये सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, तो चांसेस है ये सपोर्ट के पास आके निफ्टी बैंक हमें फिर से अपसाइड के लिए लेवल्स जो है वो दिखा सकता है। सो यहाँ से आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या रहेंगे, यहाँ से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 31,180 का लेवल, और उसके बाद में 31,050 का लेवल। वही अगर 31,050 नहीं होल्ड कर पाता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 30,850 का लेवल। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ से 31,350 का लेवल। अगर ये रेजिस्टेंस पार होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 31,550 का लेवल, और उसके बाद में 31,750 का लेवल। तो ये निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें नेक्स्ट सेशन में दिखाई दे सकते हैं। तो जो भी लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो प्लीज़ अपने चार्ट के ऊपर
जरूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो अभी आज के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।